हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल दिलीप कुमार में। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही रहा हूँ, रोज़ तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन 2-3 दिन में एक बार मैं दे ही देता हूँ। तो अब से मैं मतलब कोशिश यही करूँगा कि रेगुलर अपडेट आपको बनाता रहूँ, देता रहूँ। अभी इस वीडियो को बनाने का और अपलोड करने का यही मोटिव था कि कुछ पोस्टें जयपुर मेट्रो ट्रेन में, रेलवे में आई हैं और बहुत अच्छी पोस्टें इंजीनियरिंग लेवल की हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर और कस्टमर असिस्टेंट जैसे कुछ पोस्टें हैं। तो उस पर आप अपनी नज़र बनाएं और देखें, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और मेट्रो में भी मतलब एक अच्छा फ्यूचर है और मेट्रो रेलवे भी एक अच्छा मतलब वे है उसमें जाने के लिए। मतलब आपको सेम कोई प्रोसेस रेलवे जैसा तो नहीं है, अलग होता है। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपने अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पे ऐड नहीं कर पा रहा हूँ आपको, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। 400 मैसेज, 500 मैसेज को मैनेज करना, नंबर सेव करना, व्हाट्सएप पे ऐड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन आप बार बार मुझे मैसेज करते रहोगे तो मैं आपका मतलब नंबर ज़रूर व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगा। 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो एक बार आपका मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं है आप एक बार मैसेज करें और मतलब रूठ जाएं कि मेरा मैसेज का जवाब नहीं आ रहा है। आप 2-3 बार अगर मैसेज दोगे तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, रेलवे व्लॉगिंग के लिए क्वेश्चन मैं फिर से इस वीडियो के एंड में ही आपको बता रहा हूँ कि मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे रेलवे में ब्लॉगिंग करनी चाहिए। ब्लॉगिंग नहीं, व्लॉगिंग, मतलब अलग अलग ट्रेनों में क्या एक्सपीरियंस होता है। और मतलब जैसे आपने मुंबई कर निखिल सर का वीडियोस आपने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो एक बार जाके देखें, वो ट्रैवल वीडियो बनाते हैं। और मेरा भी मन करता है, मेरा भी एक पैशन है कि मैं ट्रैवल वीडियो बनाऊँ। साथ में आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ये चैनल भी स्टार्ट रहेगा और इस पर भी आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए और मतलब मुझे अप्रिशिएट आप लोग करते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मुझे जवाब दीजिए और साथ ही इस वीडियो के कमेंट में आंसर दीजिए। और एक क्वेश्चन और था कि मेरे साथ अगर स्क्रीन शेयर करनी है आपको, और आप अगर एक अच्छे टीचर हो, अगर आप किसी सब्जेक्ट में तेज़ हो जैसे इंग्लिश मैथ रीजनिंग, और आप पढ़ाना चाहते हो तो आप इस वीडियो में मेरे साथ पढ़ा सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए, और व्हाट्सएप पे अगर बताना चाहते हैं वहाँ बता दीजिए। अगर आप अपना नंबर मतलब मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है, और आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, और अगर आपको मतलब मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, आप मतलब किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको एक अच्छी राय दे सकता हूँ। अगर आपको वो राय अच्छी लगे तो अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और आज के लिए दोस्तों फिर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि कल मैं बनाऊंगा, और किस टॉपिक पे होगा ये मैं पहले से नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अब कुछ अलग भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ आपको बनाऊँ। तो कल मैं मतलब क्या सोचूँ आप लोगों के लिए वो कल ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से मतलब अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। और मेरा चैनल मतलब थोड़ा स्लो ग्रोविंग कर रहा है, इसके लिए भी मुझे मतलब, क्योंकि चैनल का ग्रोविंग अगर तेज़ होता है तभी उस चैनल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच पाता है, ऐसा मैंने सर्च करके बहुत पढ़ा है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी दोस्त मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं मतलब एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो कि प्लीज़ आप अकेले 1, 2, 3 जितने हो सके उतने लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि चैनल का स्टेटस बढ़े और भी ज़्यादा लोग जुड़ें। और जो भी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ रहे हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।